हेलो, दिस इज़ प्राची और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल शेफ़ इन एवरी होम में। और आज हम बना रहे हैं चॉकलेट सिरप, वो भी 5 मिनट में। सिर्फ 4 चीज़ों की मदद से चॉकलेट सिरप घर पर बहुत आसानी से हम बनाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए चीनी, मैदा, कोको पाउडर और थोड़ा सा दूध। और कोई भी चम्मच ले लीजिए आप, मैंने यहाँ पर ये चम्मच ली है और इससे मैंने सब मेज़र किया है। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच लिया है मैदा, 3 चम्मच लिए शुगर और 1 कप लिया है दूध और 2 चम्मच लिया है मैंने यहाँ पर कोको पाउडर। और अगर आप वेनिला एसेंस लेना चाहते हैं तो 2 बूंद आप वेनिला एसेंस की ले लीजिए, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। वेनिला एसेंस आपको बाज़ार में आसानी से मिल जाएगा, आप किसी भी किराना स्टोर पर जाकर इसको ले सकते हैं। अपने सारे ड्राई इन्ग्रीडियंट्स को मिक्स कर लेते हैं एक बाउल में। ये कोको पाउडर मैंने डाला इसमें, शुगर और ये ऑल पर्पज़ फ्लोर मैदा, और इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम अपना एक पैन ले लेते हैं, गैस पर पैन रख दीजिए। अब एक पैन में 1 कप जो हमने दूध नापा था ये हम दूध ले लेते हैं और थोड़ा सा बॉयल आते ही दूध में ये जो हमने मिक्स किया है अपना ये सब, ये हमें थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालना है। और मैं यहाँ पर वेनिला एसेंस डाल रही हूँ क्योंकि मेरे पास है ये, अगर आपके पास हो तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज ज़रूरत नहीं। ये देखिए उबाल आना स्टार्ट हो गया दूध में। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें अपना ये पाउडर जो मैंने डाला बनाया है ये डाल रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके डालोगे तो आपका इसमें लम्स नहीं आएंगे, और एक साथ अगर आप डाल देंगे इसको तो इसमें लम्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये जो बचा है मैं ये भी डाल देती हूँ अपना सारा इसमें, इसको मिक्स कर दीजिए अच्छे से। 4 से 5 मिनट में आपका ये क्रीम, आपकी चॉकलेट सिरप ही आपका रेडी हो जाएगा। चॉकलेट क्रीम, चॉकलेट सिरप, बिल्कुल जो मार्केट में आता है बिल्कुल वैसा हो जाएगा। देखिए थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो गया है, जैसे जैसे गाढ़ा होगा आपका बनना स्टार्ट हो रहा है मतलब ये। और अगर आप टोंड वाला दूध यूज़ कर रहे हैं, ये मैंने फुल फैट मिल्क लिया है, टोंड वाला अगर आप यूज़ करते हैं तो आप उसमें 1 चम्मच घी या फिर बटर डाल दीजिए या फिर मलाई डाल दो। मेरा फुल फैट मिल गया इसलिए मुझे डालने की ज़रूरत नहीं। ये आपकी चॉकलेट क्रीम बिल्कुल रेडी हो गई है। थोड़ा सा इसको लूज ही रखेंगे, अगर ज़्यादा टाइट करोगे तो ठंडा होने के बाद ये थोड़ा और टाइट होएगा, फिर बिल्कुल टाइट हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसको लूज रखिए और आप इसको 2-3 हफ्तों तक इसको फ्रिज में रख के स्टोर कर सकते हैं। ये देखिए आपकी चॉकलेट सिरप बिल्कुल रेडी है, ये देखिए बिल्कुल मार्केट जैसी लग रही है, बिल्कुल मार्केट जैसी, जैसी हर्षी वो आती है ना आपका सिरप चॉकलेट, बिल्कुल वैसा बना है हमारा ये चॉकलेट सिरप। आप इसको 2 से 3 हफ्तों के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, और बच्चों को जैसे ब्रेड के ऊपर और रोटी के ऊपर भी बच्चे रख के खाते हैं, और केक के ऊपर, अभी न्यू ईयर आ रहा है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं अच्छे अच्छे और जो वेफर्स आते हैं मार्केट में इसमें डिप करके बच्चों को खिलाइए, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आगे ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू।